वीडियोन वन कैसे हो आप सब आई हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे फिर मैं एक नया सा ब्लॉग लेके अपने ब्लॉग में आ गई हूँ राधा जो ऑफिशियल ब्लॉग पे आप लोग का बहुत सारा स्वागत है तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मैदा सान रहे हैं पिड़किया बनाने के लिए मैंने गुजिया बनाने के लिए तो सोची आप लोग से भी शेयर कर दूँ तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए वो देखिए हस्बैंड बेल रहे हैं क्योंकि मुझे बेल आटा गोन्दना भी नहीं है बेलना भी नहीं है क्योंकि मेरा हाथ में ऑपरेशन है तो डॉक्टर ने मना किया इसलिए मैं ये सब काम नहीं करती हूँ बट जब मन करता है बनाने के लिए तो क्या करूँ तो इसीलिए बना रही हूँ सब कोई होली में बनाए हैं हम लोग होली के बाद बना रहे हैं क्योंकि होली में मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो मैं होली में नहीं बनाई हस्बैंड बेल देंगे तो मैं बना स्टफिंग करूँगी और यहाँ पे देखिए सूजी है सूजी है और ड्राई फ्रूट्स है और चीनी है मैं मावा वाला नहीं बना रही हूँ मैं सूजी वाला पिड़किया बना रही हूँ हमारे यहाँ पे पिड़किया ही बोलते हैं बट आप लोग तो गुजिया बोलते हो गए बट हमारे यहाँ पिड़किया बोलते हैं अब यहाँ पे मैं स्टफिंग हूँ और मेरे पास सांचा भी नहीं है पिड़किया बनाने वाला गुजिया बनाने वाला सांचा नहीं है तो मैं हाथ से ही बनाऊँगी आप देखिएगा हाथ से ही मैं फीलिंग करूँगी कितना प्यारा एक हाथ से ही भगवान क्या करूँ मेरे हाथ में छोड़िए मेरे बात दोनों तो में एक हाथ से फीलिंग करूँगी बट देखिएगा कितना अच्छा फीलिंग होगा और उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा फुल सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग देखिए स्टफिंग मैंने कर लिया कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा दोस्तों किचन में आ गई हूँ अब ऑयल गर्म होने के लिए रख दी हूँ और उसके बाद अभी पिड़किया निकालूंगी मुझे ये सब बनाना बहुत अच्छा लगता है बट क्या करूँ आज आज संडे था तो सोची चलो आज आज ही मौका है बना लेने का ये देखिए बन रहा है और इतना बड़ा बड़ा है आप लोग सोचोगे अब जैसे मुझे आया मैं वैसे ही बना ली आप लोग जरूर बताना कैसा हुआ है सब निकालेंगे यहाँ पे मैं सब बना लूँगी उसके बाद मेरा गुजिया बन के तैयार हो गया है आप लोग बताना आप लोग हाँ आप लोग का जैसा तो मैं नहीं बनाई हूँ बट आप लोग ज़रूर बताना कैसा हुआ है ओके okay, दोस्तों तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं बाय बाय एक ठो अगरबत्ती ले आइएगा